हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के गैलेक्सी टैब A8 और रियलमी के पैड मिनी का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि हमें इन दोनों टैबलेट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और इनमें से कौन सा टैबलेट आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। और बता दूँ, ये दोनों ही टैबलेट्स 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की प्राइस रेंज में आते हैं और आपको इन दोनों टैबलेट्स में एंड्रॉयड 11 वर्जन देखने को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों टैबलेट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टैबलेट्स के सीपीयू के बारे में। तो सैमसंग के गैलेक्सी में यूनिसॉक का T618 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 2.0 गीगाहर्ट्ज़ तक की रहने वाली है और इस प्रोसेसर में 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जबकि रियलमी के पैड में यूनिसॉक का T616 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसकी भी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 2.0 गीगाहर्ट्ज़ तक की रहने वाली है और इस प्रोसेसर में भी 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स दिए गए हैं, जिससे आपको इनमें काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और आप इनको ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्राउजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इन टैबलेट्स को गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इनमें अपने डे टू डे के टास्क इजीली कर सकेंगे। बस आपको इन दोनों ही टैबलेट्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा। और इनके एंटूटू स्कोर्स के बारे में बताऊँ तो आप इस स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं कि आपको इन दोनों ही प्रोसेसर में से किस प्रोसेसर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और स्टोरेज और रैम के बारे में बताऊँ तो ये दोनों ही टैबलेट्स 32 GB स्टोरेज प्लस 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज प्लस 4 GB रैम वाले वेरिएंट्स में आते हैं और आप इनमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही टैबलेट्स के OS के बारे में। तो इन दोनों ही टैबलेट्स में एंड्रॉयड 11 वर्जन देखने को मिल जाता है और इनकी कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँ तो ये दोनों ही टैबलेट्स ओनली वाईफाई और वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट्स में आते हैं। और डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो सैमसंग के गैलेक्सी में 10.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1200x1920 पिक्सल तक का रहने वाला है और इसमें 216 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, जबकि रियलमी के पैड में 8.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया हुआ है और इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 800x1340 तक का रहने वाला है और आपको इसमें 179 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है कि सैमसंग का डिस्प्ले रियलमी के डिस्प्ले से कहीं ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले में 1200x1920 पिक्सल तक का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जिससे आपको इसमें फुल HD रेजोल्यूशन वाली वीडियोस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। और कैमरा के बारे में बताऊँ तो सैमसंग के गैलेक्सी में 8MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और इसके फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है, जबकि रियलमी के पैड में 8MP का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है और इसके फ्रंट में आपको 5MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों टैबलेट्स की बैटरी के बारे में। तो सैमसंग के गैलेक्सी में 7040 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि रियलमी के पैड में 6400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये दोनों ही टैबलेट्स USB Type-C पोर्ट्स के साथ आते हैं। बैटरी के मामले में भी रियलमी के पैड के मुकाबले में सैमसंग का गैलेक्सी टैब एक काफ़ी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको इसमें 7040 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही टैबलेट्स के ऑडियो जैक के बारे में। तो आपको इन दोनों ही टैबलेट्स में 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इनमें अपने वायर्ड हेडफोन्स और ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकेंगे। और स्पीकर्स के बारे में बताऊँ तो सैमसंग के गैलेक्सी में आपको पोर्ट स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जबकि रियलमी के पैड में डुअल स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है। तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में भी सैमसंग का गैलेक्सी आपको काफ़ी ज़बरदस्त ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करवा देगा। कंपैरिजन से यह पता चलता है कि हमें इन दोनों ही टैबलेट्स में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये दोनों टैबलेट्स काफ़ी बढ़िया हैं। बस हमें इनमें कुछ ही सिर्फ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और आपको इनमें परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और इन दोनों ही टैबलेट्स पर पूरे एक साल की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है और आप इन टैबलेट्स को ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इनको एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं और आप इनको कैजुअल गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही टैबलेट्स की कीमत के बारे में। तो सैमसंग के गैलेक्सी टैब की कीमत है 15,000 रुपये और वही रियलमी के पैड की कीमत है 11,000 रुपये और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ही टैबलेट्स के लिंक मिल जाएंगे। और यदि आप इन टैबलेट्स की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है।